शातिर जालसाजों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का नाका पुलिस ने किया पर्दाफाश। 10 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बरामद। केरला से आए हुए 4 पीड़ित को माल्टा यूरोपियन देश भेजने का लालच देकर बनाया शिकार। माल्टा आइलैंड में ले जाने के बहाने बनाते थे शिकार। अमेरिका में बैठा मास्टरमाइंड चलाता था गैंग। 3150 यूरो, $7,650, $4,000 मोबाइल, चाकू, अवैध असला। इंटेलिजेंस अफसर का कार्ड बरामद कर 4 लोग गिरफ्तार किए। अभियुक्त राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, अमेरिका से संबंधित है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को ₹20,000 इनाम देने की घोषणा की। ADCP वेस्ट राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले का खुलासा किया। नवभारत समाचार, उत्तर प्रदेश लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। एक्चुअली पूरे इस मामले में विक्टिम थे 4 जो केरला से आए थे, उनको ट्रैप करके लाया गया और उसको लाने के बाद उनको ट्रैप करके लखनऊ तक पहुंचाया गया। यहां से उनको माल्टा आइलैंड, जो कि यूरोप में एक इटालियन कंट्री है, यहां भेजने के लिए उनको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया। यहां पर उनको एक सनटाइन होटल में रुकवाया गया और उसके बाद ये 4 लोग जो डिफरेंट स्टेट्स से हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जिसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और क्या कहते हैं दिल्ली के रहने वाले हैं, ये लोग आए, इन्होंने होटल में इनको बंधक बना लिया। इनसे जो इंटेलिजेंस अफसर वाला एक आई कार्ड था डुप्लीकेट टाइप का, उसको उन्होंने दिखाकर इनसे सारा पैसा, लगभग 10 लाख मूल्य का यूरो है, डॉलर है और क्या कहते हैं नाइफ है, चाकू है और तमाम चीज़ें सब, मतलब इन्होंने, इनके पास से बरामदगी जो हुई है सब चीज़ इन्होंने छीना और छीनने के बाद इनको बाथरूम में बंधक बना लिया। और जब बंधक बना के लोग भाग गए, इसमें जब पुलिस को सूचना मिली, नाका पुलिस ने रेड डाला और इनको यहीं मौके पर अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इनके पास से लगभग 70% बरामदगी की गई है। उनको उचित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जी, इनके पास से एक बाहर की नेक्सॉन गाड़ी बरामद की गई जो दूसरे स्टेट की है। हम लोग उसका डिटेल भी निकाल रहे हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने मंगाई है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग दूसरे स्टेट से हैं, वहाँ के थानों से संपर्क करके इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई गई है, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेंगे। जी, कमिश्नर साहब द्वारा 20,000 रुपये कैश प्राइज की घोषणा।